नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कल कहा कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें एमडी, चीफ इंजीनियर सहित विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्यूबवेल को अब 8 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली दी जाएगी और बिजली के समय किसानों को बिजली की कोई भी समस्या आड़े नहीं आने दी जाएगी। आज सुबह उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी कारणवश बिजली में कटौती की जाती है तो उसकी भरपाई अगले दिन की जाए, ताकि किसानों को फसल की बुआई के दौरान बिजली की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यानी किसी कारणवश बिजली का 3 घंटे का कट लगता है तो अगले दिन किसानों को 13 घंटे की बिजली दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में ढीली हुई लटकती तारों से हादसों का डर रहता है और पहले भी सिरसा में इस प्रकार के हादसे हुए हैं और अधिकारियों को 15 दिन में इस समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बिजली की तारें घरों के ऊपर से गुजरती हैं उसका भी निदान किया जाएगा और सिरसा जिले में नशे को ख़त्म करने की ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नशे के खात्मे के लिए जिला प्रशासन को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन और पुलिस को 1 हफ्ते का समय दिया गया है और नशे के सौदागरों को जल्दी पकड़ें। उन्होंने ये भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर नशे के मामले में पुलिस के किसी भी अधिकारी की भूमिका रहेगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। जो लोगों की प्रॉब्लम है ना जी, जैसे किसान है उनका ये है कि हमें रेगुलर बिजली मिले जब बुआई का टाइम हो, तो पहले 8 घंटे आती थी, मैंने टेक ओवर करते इसे 10 घंटे कर दिया जी, अभी 10 घंटे मिल रही है। और जैसे हमें और रिलीफ मिलेगा और बढ़ाने का काम करूंगा, पर ये तय है कि बुआई के टाइम बिजली नहीं जाया करेगी, लोगों को मिलेगी। जहाँ कई बार लाइन में फॉल्ट आ जाता है ना, समझो कि 3 गाँव में बिजली नहीं गई, 3 गाँव में 4 घंटे वो बीच में ख़राब हो गए, तो अगले दिन अगर उन्हें 12 घंटे मिलती है तो 16 घंटे मिलेंगे, वो जो 4 घंटे वो कंपनसेट करेंगे जी, इमीडिएट 2 तो ये करेंगे। तीसरा, लोगों की एक शिकायत है कि जी मीटर बड़े तेज़ी से चलते हैं, 90% लोगों के, उसका मैं आज मैंने मीटिंग कल है, आज कल बुलाई है मैंने, कल सुबह 11 बजे, जिसमें हमारे सेक्रेटरी पावर हैं, आपके MD हैं और चारों चीफ इंजीनियर हैं। कल मैं उनसे एक बार थोड़ा सब्जेक्ट समझ लूँ, कैसे करूँगा मैं एक बता दिया, जो मेरे नोटिस में आया जिसे कर सकूँगा उसमें मैं 2 मिनट भी डिले नहीं करूँगा, मेरा काम फटाफट होगा, कोई फाइल नहीं रुकेगी। मैंने कल उन्हें कहा है कि शहर के अंदर जो लाइनें लूज है, जैसे पीछे 2 बच्चे डेथ हो गई थी, उनके पानी में करंट आ गया था, सड़क पे तारें लग रही है, मैं कहने लगा मैं 1 हफ्ते के टाइम देता हूँ, उसके बाद अगर मुझे मिल गई जिस एरिया में लाइन नहीं चल रही मिल गई उसको SDO और नीचे सब ऑफिसर सस्पेंड। वो कहने लगे मुझे 1 हफ्ता और दे दो, मैंने 15 दिन टाइम दे दिया, 15 दिन के बाद शहर में कहीं लूज तार मिल जाए तो मुझे कह देना और इसके बाद फिर मैं बाहर लेके सुनते। उसके बाद जो है ना जी, फिर मैं गाँव में भी ऐसे कर रहा हूँ, गाँव में जो मकानों के ऊपर से लाइनें जा रही हैं, अगर वो 11,000 किलोवाट की है तो उसका तो 11,000 मेगावाट की तो मुश्किल है, पर दूसरी जो है उन्हें मैं तुरंत कर पाऊंगा। उस पर कल मैंने कह दिया शायद सारी ऑफिसर बैठे DC SP सारे के सारे SHO को कल वार्निंग दे दो, और मैं 3 दिन बाद मुझे ये नहीं दिखना चाहिए, मैंने गांव भी बता दिया, सोवाड़ा में बिकता है, बड़ी गाँव में इनमें बिकता है, जो बदमाश बेच रहे हैं ना उनको पकड़ो, और जिन्हें मिलेगा नहीं अपने आप ही छुट जाएगा, कम से कम आगे तो नहीं जाएगा ना जी, कोई भी और कोई लिहाज नहीं, जिसने जिसके यहाँ किसी SHO ने लेके पैसे दे के छोड़ दिया उसे उसी दिन सस्पेंड और मधुबन भेजूंगा। मैं बहुत हैवी हैंड से कर रहा हूँ, सरसा में ये नहीं होने दूंगा, मतलब लोग झूठा नारा लगा दें वो नहीं, मैं रगड़ूंगा, एक को भी नहीं माफ करेंगे। और बताइए।